ललित महाजन स्कूल में मनाया गया होली मिलन समारोह। जी हां, बीते दो साल से कोरोना महामारी के भेंट चढ़ गया था, लेकिन इस बार सभी छात्र जो है स्कूल में पहुंचे और पहली बार ऐसा हुआ कि छात्र इतने दिनों तक लगातार स्कूल नहीं जा पाए थे, लेकिन महामारी की वजह से शिक्षा जो है वर्चुअल तरीके से होने लगी। ऐसे में त्योहारों का भी तरीका कुछ वर्चुअल सही हो गया, लेकिन 2022 की होली अब कोरोना संक्रमण काफ़ी हद तक सम्मान हुआ। इस साल दो साल के बाद जो है स्कूलों में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और आयोजन के दौरान बच्चों ने कई सारे कार्यक्रम दिखाए। फूलों की होली, रंग गुलाल की होली, साथ ही साथ होली क्यों मनाई जाती है और होली की क्या परंपरा है, इन सभी तस्वीरों को इस कार्यक्रम के आयोजन में दिखाया गया। स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र, अभिभावक और शिक्षक सभी मौजूद थे। यानी बीते दौर में जिस तरीके से सभी त्यौहार पारंपरिक तरीके से मनाए जाते थे, वही इस तरीके से मनाए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत विहार स्थित ललित महाजन स्कूल की, जहाँ पर आप देखिए बच्चों ने अपने नृत्य जो है वो पेश किया और होली किस तरीके से मनाई जाती है। जी हाँ, प्रिंसिपल साहब शिक्षक इस कार्यक्रम में से काफ़ी खुश रहे। उन्होंने बताया है कि ऐसा एहसास था कि दो साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से पहले की तरह होली मनाने का यह मौका मिला, तो जाहिर है ऐसे में छात्र हो या अभिभावक या फिर शिक्षक सभी बेहद खुश थे और इस होली के त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम और बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। जी हाँ, रंग तरंग महोत्सव जो है इस होली उत्सव का जो नाम है वो दिया गया ललित महाजन स्कूल में। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये होली का कार्यक्रम जो है वो किया गया, जहां पर बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दिखाई। और सुनिए की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsunews.com पर विजिट करें। भारती के नाम से पहचाने जाते हैं और विद्या भारती एजुकेशन को देखती है थ्रू आउट इंडिया, सारे हिंदुस्तान में, और इसी तरीके से हर एक स्टेट में अलग अलग उनका नाम दिया जाता है। और दिल्ली के अंदर इसको कहा जाता है सामर्थ शिक्षा समिति, ये नाम रखा गया सामर्थ गुरु रामदास जी, जो कि शिवाजी के गुरु थे, उसके नाम से। और हमारे विद्यालयों में संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, ज़्यादा संस्कार देने पे, अच्छे संस्कार देने पे जोर दिया जाता है। और जितने भी हिंदुओं के पर्व हैं उनको हम बड़े उत्साह से और उससे मनाते हैं। होली भी सर पारंपरिक त्यौहार है, यहाँ पे किस तरह से मनाया गया? हाँ, और होली जो है ये बेसिकली तो ये है कि भाई अगर सोचें तो एक राक्षस के घर में भी संस्कार दे करके एक प्रहलाद जैसा लड़का मतलब बच्चा पैदा हो सकता है। और इसका अक्सर ये था कि उसने बहुत कोशिश की हिरण्यकश्यप ने, पर वो अपने कामयाब नहीं हो पाया प्रहलाद जी को करने में। और उसके बाद जब देखा जाए तो होली का वो वरदान था कि वो जलेगी नहीं, और प्रहलाद को गोद में लेके बैठी, पर अल्टीमेटली वो खुद जल गई और प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये बुराई की अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर है, तो वी आर टू एस्टेब्लिश राइटियसनेस ओवर अनराइटियसनेस। तो होली इज़ वन ऑफ दैट फंक्शन जिसको हर साल हम मनाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। सारे हम स्कूल में बच्चों के अभिभावक उनको बुलाते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह सारा ऑर्गेनाइज करते हैं और अच्छा खासा फंक्शन होता है, उत्साहपूर्वक मनाई जाती है होली यहाँ पर। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार कोहली और इस समय साउथ विभाग का सेक्रेटरी, साउथ विभाग सामर शिक्षा समिति। सबको नमस्कार जी। आप जहाँ खड़े हैं ललित महाजन सरस्वती विद्या मंदिर वसंत विहार, आज हम सब ने रंग तरंग होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। अभी जितने विद्यालय परिवार में जो हमारे सदस्य हैं, जिसमें आचार्य, अभिभावक और प्रबंध समिति के सदस्य और पूर्व छात्र, ये सब यहाँ पर इसमें सम्मिलित हुए। और हम सब ऐसा मानते हैं कि जो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, उत्सव और त्यौहार आनंद का मूल होते हैं, इसीलिए भारतीय सनातन संस्कृति में समाज को उत्सव प्रिय माना गया है। ये कारण है कि भारतीय संस्कृति में हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक दिन कोई न कोई उत्सव होता है और कुछ प्रत्येक उत्सव के पीछे समाज के लिए विशेष प्रेरणादायक संदेश छिपा होता है। तो होली इसी का एक
संदेश है होली, कहते हैं होली यानी जो कुछ अब तक मान लीजिए कोई राग द्वेष इस तरह से किसी के मन में है तो वो एक तरह से अब समाप्त माना जाता है। तो और विज्ञान की दृष्टि से और अध्यात्म दृष्टि से इसका महत्व है। अध्यात्म के हिसाब से कहते हैं जो सामाजिक समरसता हमारा जो एक उद्देश्य है कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है वो भी हमारे साथ, इसलिए कहते हैं रंग जो होली है जब रंग लगा देते हैं तो हमें मानते हैं कि सब एक है, कोई अलग नहीं है, कई बार हम पहचान नहीं सकते। अदरवाइज कई बार समाज में कुछ पुराने समय में ऐसा होता था कि कहते थे भाई ये ऊँचा है नीचा है ये बड़ा है छोटा है, तो ये एक ऐसा त्यौहार है जो सब के लिए सब बराबर माना जाता है। सर 2 सालों के बाद स्कूल खुली है और कोई भी त्यौहार इतना उत्साह से मनाया जाता है, बच्चों में कितना उत्साह था और आप लोगों में टीचरों में भी किस तरह के उत्साह? बच्चे 2 साल से घर में बैठे हैं तो कई बार ऑनलाइन हम सभी कार्यक्रम तो करते थे लेकिन ऑनलाइन में क्या होता था हर बच्चा इंडिविजुअल ही परफॉर्मेंस देता था, तो कहते हैं कि बच्चे तो अपने जो पड़ोसी होता है उसे सीखते हैं पड़ोसी बच्चे से, तो एक और एक जो 11 है इसका जो ये जो कहा गया है बिल्कुल सच्चाई है, जब बच्चे साथ में आते हैं साथ में खेलते हैं साथ में त्यौहार मनाते हैं तो उसका जो जो हमारा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होती है और बहुत कुछ सीखते हैं। और जो ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें जो बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया वो तो आप देखते ही बनता है। ठीक ठीक। तो यहाँ पर हर त्यौहार बड़े ही सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया जाता है और आपस में कोई हमारे में वैमनस्य या मन भेद होता है वो भी हम त्यौहारों के समय में भूल जाते हैं। तो 2 साल से तो त्यौहार मनाए नहीं जा रहे थे इतने अच्छे से, मनाए तो जा रहे थे लेकिन ऑनलाइन माध्यम से, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था जो आना चाहिए था। तो बहुत ये खुशद परिस्थिति है कि फिर से हम वापस पटरी पर हमारी ज़िंदगी लौट रही है और हम पहले जैसे त्यौहार मनाते थे अब भी हम फिर से उसी तरीके से मना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। माना जाए कि होली जो उसका असली रंग आज स्कूल में देखने को मिला। बिल्कुल यही रंग है, आज आपने देखा कि फूलों से होली खेली गई मनाई गई, तो इसी तरीके से रंग बिरंगे रंगों के साथ फूलों के साथ ही हम प्रतिवर्ष होली मनाते थे। बीच में 2 वर्ष ऐसे थे जो हमने मनाई तो सही लेकिन कहीं अपूर्णता सी नज़र आ रही थी, लेकिन इस बार हमने फिर वापस पटरी पर लौटने का सफल प्रयास किया। ठीक है।